तो भगवान पर ही मेरा भरोसा है, वो ही मुझे इंसाफ दिलाएगा। प्लीज इसका क्या करें? अपने सर पे डाल ले है? ये डाल लिया चार। देखो पानी डाल रहे सर के। अरे बाप रे, और एक चार, और एक चार। हाथ लाना, हाथ लाना, हाथ ले। अरे एक्शन डाल रहा ना। कोई बात नहीं ससुर जी, मैं चला जाता हूँ। हाँ भगवान पर ही मेरा भरोसा, वो ही मुझे इंसाफ दिलाएगा। इंसाफ दिलाएगा? क्यों पुल बैक किया? मैं चला जाता हूँ, अब तो भगवान पर ही मेरा भरोसा, वो ही मुझे इंसाफ दिलाएगा। जा सकता हूँ मतलब? ससुर जी, ये मेरा घर है, ये मेरा ससुराल है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। नहीं ससुर, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। दादा के घर पानी भी डाल लिया, कितना मजा आया सुनिए। नहीं पहली बार मतलब ऐसा हुआ है कि चिड़ियाघर में गदा प्रसाद हमेशा सबके सर पे पानी डालता है जी जी। लेकिन पहली बार ये बहू ऐसी आई है कि इतनी चंट है ये बहू, इतनी मतलब वाट लगाओ बहू बोलते हैं ना। हाँ तो वाट लगाओ बहू है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि गदा प्रसाद को ये बहू ही ठीक कर सकती है। तो मैंने ऐसा ऐसा मैं बोलती हूँ तो वो खुद ही अपने पे पानी डाल देता है। और किसी किसी बात लगाने वाली है ऐसा नहीं है, मतलब चिड़ियाघर में इतनी सुशील फैमिली है और एक ऐसी बहू कदम रखते ही राखी सावंत तो चिड़ियाघर पूरा एकदम हिलने लगता है, सारे पंछी उड़ने लगते हैं। क्या है अब दिल्ली पे आप उतर आई हैं, काफ़ी नया इसमें बॉलीवुड नहीं? बिल्कुल मैं बॉलीवुड में भी हूँ, मैं टीवी पे भी हूँ। टीवी पे इसलिए आना ज़रूरी है क्योंकि अपने फैंस बनाए रखने पड़ते हैं। जब आप बहुत सारी फिल्में करते तो फिल्में कब रिलीज़ होगी वो पता नहीं चलता, और सब पूरी दुनिया ये कहती रहती है फैंस आपकी फिल्म कब आ रही है, कब आ रही है, बेचारे थक जाते हैं इंतज़ार करते हुए। तो रिलीज़ करना हमारे हाथ में नहीं होता। हालांकि मैं इतनी सारी फिल्में कर रही हूँ, इतनी सारे आइटम सॉन्ग्स किए, तो ये ईजी हो जाता है कि जो हिट सीरियल है उसमें आपका कम बैक करना और आपकी एंट्री लेना, तो फिर वो मज़ा आ जाता है। काफ़ी सुन के अच्छा लगा, राखी इसमें आई है और काफ़ी मज़े से देख रहे हैं क्या होने वाला है, क्योंकि उनका हर टाइम कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव रहता है सबके लिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, हाँ मैं अच्छा कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे तो एकदम सभी बहुत अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस है और दे आर सो फैंटास्टिक, बहुत ही एकदम उमदे हुए कलाकार है। हाँ बट इनके बीच में आके मैं कोशिश कर रही हूँ कि टेलीविज़न की बेस्ट बहू बनूँ, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे कॉमेडियन हो, चाहे नेगेटिव। अभी तो फिलहाल चिड़ियाघर कर रही हूँ और ढेर सारी फिल्में कर रही हूँ, ढेर सारे आइटम सॉन्ग्स कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। और चिड़ियाघर लोग देखें और उन्हें एक ऐसी बहू देखने मिलेगी जो आई थिंक सो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी।